समर हो, विंटर हो या फिर रेनी सीजन हो, अगर चाय के साथ एक बढ़िया सा स्नैक्स मिल जाए तो क्या कहना। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक पिकनिक स्नैक्स की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसे सिर्फ 10 मिनट के अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बना सकते हैं। और इस रेसिपी का नाम है आलू टिक्की और मैं इसे मार्केट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो आप इस रेसिपी को फुल तक जरूर देखें। तो इससे पहले मैं रेसिपी को स्टार्ट करूँ, मैं आपको अपने चैनल से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैं संजीता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बीएपी डेजर्ट में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की रेसिपी आलू टिक्की। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में मैश किया हुआ बॉइल्ड पोटैटो लेंगे, आलू, और अब हम उसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट मिल जाएगी, तो प्लीज आप उसे चेक कर ले। और अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्स है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज आप उसे चेक कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम राउंड पेटीज जैसा शेप दे देंगे, एक आलू टिक्की जैसा शेप देंगे। तो हमें यहाँ पर आलू को थोड़ा सा ज्यादा लेना होगा ताकि हल्का मोटा जैसा हो। देखिए मैं किस तरह से दे रही हूँ, जैसे हाथों से शेप करते हुए राउंड शेप दे दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक आलू पेटीज बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर रख देंगे और इसी तरीके से हम सेम हम और एक आलू टिक्की जो है, या फिर आप इसे आलू पेटीज भी कह सकते हैं, इसे हम और एक बना लेंगे। तो ध्यान रखिए ये बहुत छोटे छोटे या पतले नहीं होते, ये थोड़े से मोटे होते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा ज्यादा पोर्शन लेकर आपको हाथों से शेप देते हुए इसे आपको राउंड शेप दे देना है। और देखिए कितने आसानी से हमारा एक और आलू पेटीज बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। और अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इंग्रीडियंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, तो प्लीज आप उसे चेक कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, तो ये मैंने कॉर्नफ्लावर को ऐड कर दिया। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं तीखापन के लिए। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसका हम एक सैलरी बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर और मैदा का हमें एक घोल बना लेना है, ये बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो घोल है ये कैसा है, ये बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो इस तरह का आपका घोल बना लेना है। अब हम एक प्लेट के ऊपर ब्रेड क्रम्स को निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर ले रहे हैं। और अब हम एक आलू टिक्की को लेंगे और इसे हम जो हम मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो हमने सैलरी बनाया था उस बैटर में हम अच्छी तरीके से इसे हम डिप कर लेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इसे कोट कर ले, देखिए। और इसे हम डिप करने के बाद हम इसे निकालेंगे और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। तो आप दूसरे हाथों से आप ब्रेड क्रम्स को पैटीज के ऊपर डालें और अच्छी तरीके से आप इसे कोट कर ले। अब मैं इसे टर्न करके भी चारों ओर इधर भी मैं ब्रेड क्रम्स को लगा दे रही हूँ, तो आपको अच्छे से इसे कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो इसे घर पर ही आप बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स को। तो ये हमारा एक आलू टिक्की का पैटीज बनकर तैयार हो चुका है।
काफी अच्छी तरीके से कोट हो चुका है, ये देखिए। इसी तरीके से सेम हम इसे भी पहले डिप करेंगे और उसके बाद हम डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम से हम कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आप इसे बहुत केयरफुली आप इसे डिप करें, अदरवाइज जो है आपका जो आलू टिक्की है वो टूट सकता है। तो आप अच्छी तरीके से केयरफुली डिप करने के बाद आप इसे कोट करें ब्रेड क्रम से। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से कोट कर दे रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल ऐड कर रहे हैं और इसे हम गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम दोनों पैटीज को तेल में हम डालकर फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपका फ्लेम मीडियम पर होना चाहिए। और अब हम एक स्पैचुला की मदद से हम तेल को आलू पैटीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, इसे ऊपर से भी ये अच्छी तरीके से ये फ्राई होने लगे। अब हम इसे टर्न कर दे रहे हैं और टर्न कर हम ऊपर वाले साइड को भी फ्राई कर लेंगे। आप इसे टर्न करके फ्राई कर ले लो एंड मीडियम फ्लेम पर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू टिक्की हमारा बनकर तैयार हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू टिक्की बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। सो अब आप इसे सैलेड और अपने मन पसंदीदा चटनी के साथ इसे सर्व करें। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इससे भी पहले बहुत सारी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज उसे चेक कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।